नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। दिल्ली में 26 जनवरी के बाद किसानों के आंदोलन में जो दिल्ली पुलिस और शरारती तत्वों के द्वारा जो सिख नौजवानों के साथ अत्याचार किया गया, उसको लेकर शिरोमणि गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से अग्गों ने इकट्ठा होकर SSP बटाला को मांग पत्र सौंपते हुए मांग की कि आरोपियों के खिलाफ बनती कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। इस मौके पर मांग पत्र सौंपने के बाद आगू रमनदीप सिंह संधु और गुरतिंदर पाल सिंह ने कहा कि दिल्ली में किसान कृषि कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से पिछले लंबे समय से आंदोलन पर बैठे हैं और उनकी मांग एक ही है कि कृषि कानून वापस लिए जाएं, और ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन 26 जनवरी के बाद केंद्र सरकार के निशाने पर दिल्ली पुलिस और शरारती तत्वों के द्वारा सिख नौजवानों के साथ जो कुछ हुआ वह अति निंदनीय है। सिख नौजवानों को जोर जबरदस्ती से मार कुटाई की गई, उन पर केस दर्ज किए गए। उस नाइंसाफी के खिलाफ SSP बटाला को मांग पत्र सौंपा गया है और मांग की गई है कि उन अत्याचारी लोगों और दिल्ली पुलिस के खिलाफ बनती कानूनी कार्यवाही की जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज बड़े दुखी हिरदे नाल समुचा संसार बटाले शहर दीआं संगतां जो SSP साहब बटाला दे दफ्तर विखे अपना रोस जाहिर करन वास्ते इत्थे पहुंचियां ने, क्योंकि बीते दिनां तों पिछले जो समय तों जो किसान अपने हकों वास्ते उत्थे शांतमय ढंग नाल गुरु महाराज का जाप करके धरना दे रहियां ने, जो देश दे वलों काले कानून बनाए गए उन्हां नूं रद्द कराउण वास्ते उह शांतमय ढंग नाल उत्थे रोस कर रहे हन, उन्हां ते दिल्ली पुलिस वलों जो केंद्र सरकार दे हुक्मां नाल उत्थे जो तशद्दुद कीता गया। बीते दिनी जो अमृतधारी गुरसिख भाई रणजीत सिंह दे ककारां दी केसां दी जो बेदबी की गई है बहुत ही निंदनयोग है, जिथे श्रोमणी अकाली दल इस दी निंदा करन वास्ते अज SSP दफ्तर पहुंचा। उत्थे असी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सत्कारयोग प्रधान साहब बीबी जगीर कौर दे होए आदेशों मुताबक इत्थे इस दफ्तर विखे उन्हां दे नाल इस रोस मुजाहरे विच शामिल होए आ। असीं केंद्र सरकार कोलों मंग करदे आ, दिल्ली सरकार कोलों मंग करदे आ, जो उत्थे कहिंदे चिड़ी नहीं फड़कन दिंदे, पर वो जो 100 बंदे उत्थे डांगा लै के पथराव कर रहे सन वो कितना अंदर आ गए, उन्हां ते भी केस दर्ज किए जाए, उन्हां ते भी जो बनती कार्रवाई की जाए, उस संबंध में अभी SSP साहब नूं मिलना आया। अज जिहड़ा 29 तरीक वाले दिन घटना वापरी आ, सिंघू बार्डर तो 22 साल रणजीत सिंह जिहड़ा शहीद भगत सिंह नगर में बिलोंग करता उन्हें चुक के उत्ते 3rd डिग्री टॉर्चर पुलिस जिहड़ी दिल्ली पुलिस वल्लों किया गया, वो रोस वजों साढ़े गुरु नानक नाम लेवा यूथ विंग के आगू तो पंथक जोड़े साढ़े सिख आगू आ वह वीडियो वेख के रोस पाया गया। तो वो संबंध में असी पुलिस जिला बटाला के मुखी SSP रिशपाल जी उन्होंने मिलन आए हाँ, उन्होंने एक मैमोरेंडम दिता कि जोड़ा भी वो तशद ढाया गया साढ़े सिख वीर की ककारा की बेदबी की गई आ और बहुत ज़्यादा तशद किया गया, वो संबंध में बनती कार्रवाई की आस लैके इतने पहुँचे हाँ। सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया तो सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब जिहड़े पिछले दिनों तो यह जिहड़ा किसान अंदोलन पहलों भी साडा सारी हाई कमांड डटी रही आ, साडा यूथ विंग श्रोमणी अकाली दल डटिया रहा, वो संबंध में असी अज ये जिहड़ा वा एक रोस वजों मैमोरेंडम SSP साहब नूं देण आए हैं कि वह जिहड़ा रणजीत सिंह दे तशद्द ढाया गया वो खिलाफ़ बनती कार्रवाई की जाए। इस तरह जी अज यूथ अकाली दल दे जिला प्रधान ते उन्हां नाल उन्हां दे साथी जिहड़े वो एक मंग पत्र दे के गए आ जी कि जिहड़े दिल्ली विच जिहड़ा 26 तरीक नूं जिहड़ा किसानां दा प्रोग्राम सी उहदे दौरान जिहड़ी उत्थे कहिंदे भी कुटमार सिख जिहड़े उह साडे जिहड़े मुंडे उन्हां नाल होई आ, सो उहदे रोस वजों अज जिहड़ा मंग पत्र दे के गए आ। असी उन्हां दा मंग पत्र जिहड़ा उह लै लिया, तो ये मंग पत्र जिहड़ा ये क्योंकि इन्हां दी स्टेट लैवल ते सारी कॉल सी ते सारी कार्रवाई होनी आ, और वैसे भी ये जिहड़ी चीज़ है ये दिल्ली उत्थे केस रजिस्टर होए आ कि उत्थे सारा चल रहा, सो ये अपने मैं सीनियर अफसरां नूं थ्रू जिहड़ा साडा प्रोसैस हुंदा वो भेजदा। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट।